डायरेक्टर लाल एक इंडियन एक्टर, स्क्रीन राइटर, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिन्हें हम मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए जानते हैं। इन्होंने अपने शुरुआती करियर में सिद्दीकी, जो एक फेमस डायरेक्टर हैं और जिन्होंने हिंदी में बॉडीगार्ड जैसी मूवी को डायरेक्ट किया, उनके साथ पेयर में मूवीज़ को डायरेक्ट करना शुरू किया था। एक डायरेक्टर के साथ ये एक्टर भी हैं और इन्होंने तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी अपनी अपीयरेंस दी है। उसके लिए इन्होंने 1 नेशनल अवार्ड भी जीता है और 2 बार इन्हें केरला का बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2008 और 2013 मिल चुका है, और इन्हें 1 बार मलयालम का बेस्ट एक्टर अवार्ड 2008 भी फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। बात करें इस वीडियो में तो हम इसमें डायरेक्टर लाल की हिट और फ्लॉप मूवीज़ के बारे में जानेंगे जो इनके डायरेक्शन में बनी मूवीज़ हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नंबर 1, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की रामजी राव स्पीकिंग से, जिसका डायरेक्शन किया था सिद्दीकी और लाल ने इकट्ठा। मूवी की स्टार कास्ट में थे साई कुमार, मुकेश और इनोसेंट। मूवी 1989 को रिलीज हुई थी और 8.5 की IMDb रेटिंग के साथ ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हेरा फेरी इसी मूवी का रीमेक थी। नंबर 2, इन हरिहर नगर, जिसका डायरेक्शन किया सिद्दीकी और लाल ने। कास्ट में थे मुकेश, सिद्दीकी और जगदीश। मूवी 1990 को रिलीज हुई और 8.6 की IMDb रेटिंग के साथ यह मूवी भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 3, इनकी रोमांस कॉमेडी ड्रामा आधारित मूवी गॉडफादर, जिसका डायरेक्शन किया सिद्दीकी और लाल ने। कास्ट में थे NN पिल्लई, तिलकन और मुकेश। मूवी 1991 को रिलीज हुई और 8.6 की IMDb रेटिंग के साथ मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 4, इनकी एक और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर आधारित मूवी वियतनाम कलोनी, जिसका डायरेक्शन किया सिद्दीकी और लाल ने। कास्ट में थे मोहनलाल, इनोसेंट और कनाका। मूवी 1992 को रिलीज हुई और 7.8 की IMDb रेटिंग के साथ यह मूवी भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इनकी अब तक की सभी मूवीज ब्लॉकबस्टर ही साबित हुई थी। नंबर 5, काबुलीवाला, जो रविंद्र नाथ के काबुलीवाला नाटक पर आधारित थी। मूवी का डायरेक्शन किया सिद्दीकी और लाल ने। कास्ट में थे इनोसेंट, जगती, श्री कुमार और विनीत। मूवी 1993 को रिलीज हुई और 6.3 की IMDb रेटिंग वाली यह मूवी सुपरहिट साबित हुई। यह तकरीबन 100 दिनों तक सिनेमाघरों में चलती रही। नंबर 6, इनकी एक और बढ़िया मूवी इन हरिहर नगर का सेकंड पार्ट 2 हरिहर नगर, जिसका डायरेक्शन अकेले लाल ने किया था। कास्ट में थे मुकेश, जगदीश और सिद्दीकी। मूवी 2009 को रिलीज हुई और 6.6 की IMDb रेटिंग के साथ ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 7, इनकी हॉरर कॉमेडी मूवी इन गोस्ट हाउस इनिंग, जिसका डायरेक्शन किया लाल ने। कास्ट में थे मुकेश, जगदीश और सिद्दीकी। 2010 में यह मूवी रिलीज हुई और 5.8 की IMDb रेटिंग के साथ एक हिट फिल्म साबित हुई। नंबर 8, इनकी एक और बढ़िया मूवी टूर्नामेंट, जिसका डायरेक्शन किया लाल ने। कास्ट में थे रूपा मंजरी, फहाद फैजिल और सिद्दीकी। मूवी 2010 को रिलीज हुई। हालांकि मूवी बहुत बढ़िया थी लेकिन मूवी फ्लॉप साबित हुई। मैं ये कहता हूँ आपको यह मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। नंबर 9, कोबरा, जिसका डायरेक्शन किया लाल ने। कास्ट में थे मामूटी, लाल और लालू एलेक्स। मूवी 2012 को रिलीज हुई और 2.6 की नेगेटिव रेटिंग के बावजूद भी मूवी एवरेज साबित हुई। नंबर 10, इनकी एक और बेहतरीन मूवीज में से एक किंग लेयर, जिसका डायरेक्शन किया लाल ने। कास्ट में थे दिलीप, मैडोना, सेबेस्टियन और लाल। मूवी 2016 को रिलीज हुई और 5.3 की IMDb रेटिंग के साथ मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 30 से 35 करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक सुपरहिट साबित हुई और डायरेक्टर करियर की अब तक की यह लास्ट मूवी भी साबित हुई है जो इन्होंने अभी तक डायरेक्ट की है। तो ये था डायरेक्टर, मलयालम डायरेक्टर लाल का हिट और फ्लॉप कंप्लीट करियर एनालिसिस, जिसमें हमने उनकी हिट और फ्लॉप मूवीज़ के बारे में जाना। आपको उनकी कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही साथ आपको उनकी एक्टिंग के तौर पर कौन सी मूवीज सबसे ज़्यादा पसंद है वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मैं ऐसी वीडियो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर लगभग लाता ही रहता हूँ, हफ्ते में एक या दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।